हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, आई एम लेट टू अपलोड दिस वीडियो बिकॉज ऑफ माय फैमिली इश्यूज। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 5, थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों की नजरिए से। यात्री कौन से? जो दूसरे देशों से हमारे देश में यात्री यात्रा करने के लिए आए, उनकी नजरिए से उन्होंने हमारे समाज को कैसे देखा, उनकी नजरिए से जो जो हम अपने समाज को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे औरतें और मर्द, वुमेन एंड मैन हैव ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क। किस कारण में भारत में आते थे? काम की खोज में। ट्रेडर्स, व्यापारी, मर्चेंट्स, सोल्जर्स आते थे, या प्रेस्ट अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, या पिलिग्रम्स यात्रा करने वाले यात्री आते थे। और कई बार कई लोग ऐसे भी होते थे, कुछ साहस की यात्रा करना चाहते थे, अ सेंस ऑफ एडवेंचर, उसके लिए भी कई लोग वहां पे भारत में आते थे। मैनी ऑफ देम ट्राई टू अडॉप्ट टू दीज लैंड्स। बहुत सारे उनमें से, जो यात्रियों में से बहुत सारे यात्री हमारे भारत में ही रह गए, इस लैंड्स में रह गए। अदर्स सम बट एक्सेप्शनल्स, कुछ और विशेष जो व्यक्ति थे, नोट देम केयरफुली। बहुत लोग आए और उन्होंने कुछ लिखा नहीं हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी राजनीति के बारे में, परंतु कुछ विशेष ऐसे होते थे, एक्सेप्शनल केस थे, जो जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नोट देम केयरफुली इन द अकाउंट्स। उन्होंने अपने जो उन्होंने जहां भारत में देखा उसको बड़े ध्यान पूर्वक उन्होंने से लिखा। इन दिस चैप्टर वी शैल सी हाउ आर नॉलेज ऑफ द पास्ट। इस लेसन में हम देखेंगे कि जो हमारे पास्ट की जो ज्ञान है, कि हमारे जो पहले भारत था वो वहां पे लोग कैसे थे, कैसे उनका समाज था, उसके बारे में जो हमारी ये डिस्क्रिप्शन है सोशल लाइफ के बारे में, हमें ये काफी इसके बारे में हमें इससे जानकारी मिलेगी। उनसे हमें ये पता चलेगा कि जहाँ पे वो लोग हमारे लोग कैसे रहते थे, जहाँ पे लोग सोशल लाइफ प्रोवाइडेड बाय द ट्रैवलर्स, जो उन यात्रियों ने जिन्होंने यहाँ पे यात्रा की इस कॉन्टिनेंट की, उन्होंने क्या इस क्या डिस्क्रिप्शन की भारत की, उसके बारे में हम जानेंगे। फोकसिंग ऑन द अकाउंट्स ऑफ 3 मैन, मेनली हम 3 लोग जो भारत में आए उनके बारे में पढ़ेंगे, अलब्रूनी, इबन बतूता एंड फ्रांकोसिस बर्नियर। 3 लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे मेनली। अब हम देखते हैं कि इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोग भारत में क्यों आते थे, ट्रेड करने के लिए, जहाँ यात्रा करने के लिए, या अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, और कुछ लोग एडवेंचर करने के लिए भी आते थे, साहस की यात्राएं करने के लिए आते थे। उनमें से 3 लोग जिन्होंने एक्सेप्शनल हमारे देश के बारे में लिखा, एक्सेप्शनल थे, खास लोग थे जिन्होंने लिखा, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये लोग कहाँ से आए और इन्होंने कौन से समय में आए। मोस्टली ये तीनों ट्रैवलर्स हैं 11वीं सेंचुरी से लेके 11वीं सेंचुरी से लेके 17वीं सेंचुरी तक ये हमारे भारत में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं अलब्रूनी। अलब्रूनी 11वीं सेंचुरी में आए। इनका जन्म 973 में हुआ, उज्बेकिस्तान में हुआ। ये तीनों जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलब्रूनी उज्बेकिस्तान से आए और उन्होंने कौन सी बुक लिखी, जहाँ पे आके कौन सा अपना विवरण लिखा, किताबुल हिंद पे, और 11वीं सेंचुरी में आए जी। दूसरे आए जिनके बारे में पढ़ेंगे, इबन बतूता। ही केम इन इंडिया इन 14वीं सेंचुरी। आपको ये आ सकता है कि इबन बतूता कब और आए और कहाँ से आए, मोरक्को से आए। मोरक्को कहाँ पे? अफ्रीका में है, ये पश्चिमी अफ्रीका का एक कंट्री है मोरक्को, वहां से आए। उन्होंने कौन सी बुक लिखी, रिहल्ला। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बना रखा है ताजो कि आपको बुक्स के नाम जा रहे हैं जो मोइनली पेपर में आते हैं। तीसरे आए फ्रांकोसिस वर्नियर आए, वो 17वीं सेंचुरी में आए। जो फ्रांस से आए, ये यूरोप से आए, ये हम देख रहे हैं अफ्रीका से आए, और ये क्या है, हमारे एशिया से आए, पश्चिमी एशिया से आए। तो ये फ्रांस से आए, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये तीनों की जो बुक्स है, मेन आपके क्वेश्चन के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से करवाती हूँ हमेशा आपका लेसन, कि आपको पेपर में एग्जाम में कैसे आना है वो क्वेश्चन। अलब्रूनी आपको यहीं पे याद हो जाएगा, देखिए आप अपनी कॉपी में भी ऐसे नोट करोगे कि कौन सी सेंचुरी में आई और उन्होंने कौन सी बुक लिखी। रिहल्ला लिखी इब्न बतूता ने, फ्रांकोसिस वर्नियर ने लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और अलब्रूनी ने लिखी किताबुल हिंद। तो ये आपके इसमें से मोस्टली 2 क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन।
अब हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अलबरूनी ने। अलबरूनी ने भारत की सोशल सोशल कंडीशन के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में क्या लिखा, वो हम यहाँ पे देखेंगे भी। सबसे पहले अलबरूनी, ही बॉर्न इन 973 इन ख्वारिज्म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म स्थान पे इसका जन्म हुआ अलबरूनी का। ही रिसीव द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम, जो उस समय पे अवेलेबल थी उसको जो सबसे अच्छी शिक्षा उसके उपलब्ध थी वो उसने उसको मिली। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेज, उसे कई भाषाओं का ज्ञान था जैसे सीरियक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। इन सारी भाषाओं, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कौन कौन सी भाषाएं जानता था, तो मेन क्वेश्चन ये कि जो कौन सी भाषा नहीं जानता था अलबरूनी, कौन सी भाषा नहीं जानता था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेज, सीरियक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। ही डिड नॉट नो ग्रीक, वो ग्रीक भाषा नहीं जानता था। कौन सी भाषा नहीं जानता था? वो जुनानी भाषा का जानकार नहीं था। इसको ग्रीक को क्या बोलते हैं? जुनानी भाषा का जानकार नहीं था। ही वॉज फैमिलियर विद द वर्क्स ऑफ प्लेटो, पर वो प्लेटो के वर्क से, जो जुनानी दार्शनिक था, उसके कार्यों से पूरी तरह फैमिलियर था। जो जुनानी दार्शनिक था उसने कौन से काम किए, कौन सा वर्क लिखा उसने, उसके बारे में उसे जानकारी थी, पर वो भाषा नहीं जानता था। इन 1017 ईस्वी में वैन सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज्म, सुल्तान महमूद जिसने वहां पे ख्वारिज्म पे अटैक किया या हमला किया, इन्वेड किया उसको, ही टुक सेवरल स्कॉलर्स एंड पोएट्स बैक टू हिज कैपिटल। वो हमला करने के बाद बहुत सारे विद्वानों को और कवियों को अपने साथ ले गया, कहाँ पे? गजनी ले गया। तो कहाँ का था महमूद, सुल्तान महमूद? गजनी का था। उसने उसको हमला किया वहां पे ख्वारिज्म पे, और वो उससे बहुत सारे विद्वानों को और उसको पोएट्स को अपने साथ लिया। अलबरूनी वॉज वन ऑफ देम, अलबरूनी भी उनमें से एक था जिसको वो ख्वारिज्म से उठा के कहाँ ले आया? गजनी ले आया। ठीक है, गजनी लाल लेके आ गया। नाउ इसके बारे में थोड़ा सा हम और देखते हैं अभी, इसके बारे में गजनी के, गजनी में आया और गजनी के आक्रमण करने के बाद महमूद सुल्तान ने भारत के ऊपर भी आक्रमण किया, भारत में आक्रमण किया और भारत के पंजाब को अपने इसमें गजनी साम्राज्य में मिला लिया। तो जो अलबरूनी गजनी आए थे, धीरे धीरे उनको गजनी पसंद आने लगा, फिर उसके आगे वो उनको भारत में पंजाब तक पहुंच गए गजनी। अलबरूनी कहाँ तक आए? पंजाब में आए, गजनी की, गजनी में ही अलबरूनी की जो भारत में रुचि पैदा हो गई थी कि वो भारत में जाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत के ब्राह्मणों और कह सकते हैं हम विद्वानों के साथ उसकी बातचीत हुई, जो उसने उसको लगा कि ये अब स्थानीय लोगों के संपर्कों में आने के कारण उसे लगा कि उसे भारत में जाने में रुचि है। तो भारत में आया, भारत में आके उसने संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। तो यहीं पे उसने अपनी किताब लिखी, किताब उल हिंद, जो मेन आपका क्वेश्चन मैंने आपको देना भी है, अपनी असाइनमेंट में दूंगी, राइट अ नोट ऑन द किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पे ऊपर एक लेख लिखें, ये आएगा भी एक अलबरूनीज किताब उल हिंद, ये मेन याद रखना है। अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी? किताब उल हिंद। उसका नाम क्या था? रिटन इन अरबिक। कौन सी भाषा में लिखी? अरबिक में लिखी। इज सिंपल एंड लूसिड, ये बहुत ही, इसकी भाषा बहुत सरल और स्पष्ट थी, उस भाषा में लिखी। इट इज डिवाइडेड इन 80 चैप्टर्स, उसने इतने सारे टॉपिक लिए इसमें कि इसको 80 चैप्टर में उसने विस्तृत ग्रंथ लिखा, जो कि 80 चैप्टर्स का था। ऑन सब्जेक्ट्स, कौन कौन से विषय लिए उसने? विषय सच एज रिलीजन, धर्म के ऊपर, फिलोसफी, दर्शन, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कस्टम, रीति रिवाज एंड प्रथाओं, सोशल प्रथाओं, वेट्स एंड मेजर्स, इवन उसने मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का, आइकनोग्राफी, मापतंत्र विज्ञान जिसके क्या बोलते हैं, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर उसने, लॉ, इवन उसने कानून के पर भी लिखा, और मेट्रोलॉजी, और इन सब के ऊपर उसने क्या लिखा, इन सारे विषयों को उसने अपनी बुक में लिया। और अपने इसको डिटेल में लिखना है कि उन्होंने कौन कौन से विषय लिए, रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। तो सारे विषय लेके उसने 80 चैप्टर में एक अपनी बुक लिखी।
अलब्रुनीज अडॉप्टेड डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर, उसने अपने हर चैप्टर में प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया। डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर मीन्स विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। क्या प्रयोग था उसका? सबसे पहले बिगिनिंग विद द क्वेश्चन, हर चैप्टर को वो स्टार्ट करता था किससे? एक प्रश्न से। बिगिनिंग हर एक क्वेश्चन में पहले, हर एक लेसन में पहले प्रश्न पूछता था। डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द संस्कृत ट्रेडिशंस, फिर उसके ऊपर संस्कृतवादी परंपराओं के हिसाब से वो उसको वर्णन करता था। एंड कंक्लूडिंग विद द कंपेरिजन विद अदर कल्चर्स, पहले डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द संस्कृत, जो संस्कृत की परंपराएं थी उसके हिसाब से वो उस क्वेश्चन का आंसर देता। एंड कंक्लूडिंग विद, फिर उसका जो अंत में क्या करता था, अन्य संस्कृतियों के साथ उसका कंपैरिजन करता था, संस्कृत के साथ उसकी तुलना करता था। कंक्लूडिंग विद द कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स, और कल्चर जैसे हमने देखा पर्शियन के साथ, पर्शिया के साथ उसका वो क्या करता था, ज्यादातर कंपैरिजन की तुलना करता था। सम प्रेजेंट डे स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट दिस बुक इज ऑलमोस्ट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर, जो आजकल के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि ये ज्यामिति संरचना है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एक तरह का। एंड रिमार्केबल फॉर इट्स प्रिसीजन, और ये इसकी स्पष्टता के लिए ये एक उल्लेखनीय है। एंड प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी पूर्व अनुमान के लिए ये क्या एक बहुत ही अच्छी उल्लेखनीय उसकी वो है, कृति है। इसका मुख्य कारण क्या है? टू हिज मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, उसका मुख्य कारण क्या है कि उसका जो झुकाव था वो क्या गणित की ओर जा रहा था। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर को पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना, फिर उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको वर्णन करना संस्कृतिवादी परंपराओं के साथ, कि भारत की परंपराओं के साथ उसको वर्णन करना। देन कंक्लूडिंग, अंत में जाके हर लेसन का जो एंड करता था वो अदर कल्चर्स के साथ, अदर संस्कृतिज के साथ तुलना करके वो क्या करता था, उसका एंड करता था। अलब्रुनी हु रोट इन अरबिक, ही वॉज फैमिलियर विद ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ संस्कृत पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इन टू अरेबिक, उसने क्या किया, उसने ये जो बुक है वो तो लिखी अरेबिक में, पर उसको ये ट्रांसलेशन भी पता था, अडेप्टेशन भी, तो उसने कई कृतियों को उसमें क्या किया, उसने ट्रांसलेट किया उसको, प्राकृत को और पाली संस्कृत को अपनी अरेबिक भाषा में। These ranged from fables to works and astronomy and medicines. ये सारी किताबें कौन सी थी? ये कहानियां भी थी इसमें, and astronomy थी, astronomy खगोल शास्त्र के बारे में और medicine के बारे में। इन सारी books का उसने क्या किया, translate किया पाली प्राकृत एंड संस्कृत से अरबिक में। तो ये main question है कि उसका style कौन सा था, और किताबुल हिंद पे नोट लिखेंगे तो सारा उसमें आएगा, इसमें इतना नोट है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किताबुल हिंद पे बनता है। नेक्स्ट है मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अलब्रुनी एंड संस्कृत ट्रेडिशंस, मेकिंग, ये आपका चौथा टॉपिक है, क्योंकि पहले हम अलब्रुनी को खत्म कर रहे हैं, अलब्रुनी को करने के बाद फिर हम नेक्स्ट लेंगे इब्न बतूता, तो उनके साथ हमारा समझने में बाधाएं और उन पर विजय। भारत की जो संस्कृतवादी परंपरा थी, सांस्कृतिक ट्रेडिशंस थी, उनको समझने में अलब्रुनी को क्या क्या प्रॉब्लम सामने, ये भी एक प्रश्न बनता है कि भारत में आकर अलब्रुनी को कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ये अलग से क्वेश्चन एक बनता है। ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, उसने कैसे इन प्रॉब्लम्स के ऊपर उसने कैसे विजय पाई। अलब्रुनी वॉज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स इनहेरिट इन द टास्क टू अंडरस्टैंड वट ही ऑब्जर्व, जो उसने भारत में देखा, इस उपमहाद्वीप में जो देखा, उसको पता था कि उसमें कौन कौन सी समस्याएं थी, वो इससे परिचित था। अलब्रुनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था कि उसे कौन कौन सी आएंगी समस्याएं। ही डिस्कस्ड सेवरल बैरियर्स, उसने कई रुकावटों का वर्णन किया। दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग, जो उसको लगता था कि उसके रास्ते में अवरोध है, उन्होंने उसका वर्णन किया कौन कौन सी। द फर्स्ट बैरियर, फर्स्ट रुकावट कौन सी थी उसके बारे में, वॉज लैंग्वेज। लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके आगे। अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अरबिक, वो खुद कहता है कि संस्कृत है जो अरबिक से बहुत इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। That ideas and concepts could not be easily translated from one language into other. कि जो विचार थे, जहाँ concept थे, जो विचार थे,
जैसे सिद्धांत थे उनको एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल काम था। सबसे पहला बैरियर क्या था उसका? भाषा का था। द सेकेंड बैरियर ही आइडेंटिफाइड, दूसरा बैरियर जो उसके रास्ते में आता था वो था वाज द डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। जो भारत के इस धार्मिक व्यवस्था थी या प्रथा थी वो उनसे भिन्न थी, क्योंकि वो मुस्लिम जगत से था और जहाँ पे संस्कृत और हिंदू धर्म के कारण उसके इसमें कई धार्मिक विश्वासों में और परंपराओं में उसे प्रॉब्लम आती थी। सेकंड बैरियर याद करना ही बड़ा आसान है, मेरे को अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। द थर्ड बैरियर द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तीसरा बैरियर क्या था उसका? तीसरा अवरोध था अभिमान था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कंसिक्वेंट इंसुलेरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फॉर हिम। तीसरा था उसका, तीसरा अवरोध था अभिमान था। इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबरूनी पूरी तरह से जो ब्राह्मणों की वो थी, ब्राह्मणों की कृतियां थी उसके ऊपर आश्रित रहा। उसे अपने इसको समझने के लिए, भारत की समाज को समझने के लिए उसे क्या करना पड़ा? भारत के वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति आदि के अंश उद्भूत किए। उसने कई जो भारत की धार्मिक किताबें थी उनसे ही उसने अपने आप को उसने वहां उसके पूरी तरह उसने अध्ययन किया। अब तीसरे सेल्फ ऑब्जर्वेशन मीन शुरू होता है अभियान, अभिमान, उसका अपना अभिमान भी रास्ते में आ जाता था। कॉन्सिक्वेंट इनसोलरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, और लोकल पॉपुलेशन से वो एक तरह से भिन्न था, लोकल पॉपुलेशन से भिन्न रहता था, इसलिए क्या है उसको जिसमें प्रॉब्लम्स आई। तो आपकी तीन प्रॉब्लम्स याद रखनी है ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग में। फर्स्ट बैरियर वाज लैंग्वेज, सेकंड वाज हिज बिलीफ्स, रिलीजियस बिलीफ्स, एंड थर्ड वाज सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड इंसुलरिटी, अपना अभिमान। परंतु फिर भी उसे क्या करना पड़ता था? उसे भारत की धार्मिक पुस्तकें जैसे वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि और मनुस्मृति आदि से जो अंश है उनका उसने ज्ञान प्राप्त किया। अब इसकी मैं एक वीडियो और दूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी ना हो जाए, तो जिसमें हम करेंगे अलबरूनी की डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, तो ये फिर इसकी वीडियो पूरी होगी। ओके थैंक यू। आप इसको करना, मैं इसकी आपको अभी मैं इसको वो भी देती हूँ आपको, इसकी असाइनमेंट, ये इसकी असाइनमेंट है जो आपने क्वेश्चन करने हैं। देखिए असाइनमेंट, असाइनमेंट अबाउट द टॉपिक, इस असाइनमेंट टॉपिक के बारे में सारी असाइनमेंट है जी। इस वीडियो के प्रश्न लिखने के लिए आपने यही प्रश्न लिखने हैं और क्वेश्चन मत बनाना अपनी तरफ से, इधर उधर से क्वेश्चन बनाते हो तो बहुत छोटे होते हैं, वो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अलबरूनी कौन था, वे कहाँ से भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी कौन था, वे कहाँ से भारत आया था। हु वॉज अलबरूनी, फ्रॉम वेयर ही केम टू इंडिया, भारत कहाँ से आया था वो। सबसे पता है पहले बताया था ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ था, उसको वहां से मोहम्मद जो बिन लेके आया था अपने साथ, उसको उठा के लेके आया था, और गजनी से फिर वो भारत में आया था। अलबरूनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, ये मैंने आपको बड़े अच्छी तरह बता दिया। विच बुक वाज रिटन बाय अलबरूनी, भारत का विवरण लिखने के लिए अलबरूनी के कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा भारत में। व्हाट वर द बैरियर्स दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, भारत की समझ के लिए उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। राइट अ नोट ऑन द किताबुल हिंद, जो ग्रंथ उसने लिखा, जहां पे आप आंसर का लिखोगे कौन सी बुक लिखी उसने, कौन सा ग्रंथ लिखा, किताबुल हिंद, और इसके ऊपर अपने एक नोट लिखना है जो कि मैंने पीछे आपको अच्छी तरह डिस्कस किया है। डिस्कस अबाउट द डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर अलबरूनी अडॉप्टेड इन हिज राइटिंग, उसने अपनी राइटिंग में, उसने ग्रंथ में कौन सा विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, पहले क्वेश्चन किया, फिर उसको संस्कृत उसके साथ एक्सप्लेन किया, और एंड में उसको कंक्लूड किया विद द कंपेरिजन ऑफ द अदर अदर सोसाइटीज। ठीक है, सिक्स डिस्कस अलबरूनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। अब ये कास्ट सिस्टम का रहेगा ये मैं आपको करवाती हूँ बाद में, एक वीडियो और छोटी सी बनाती हूँ इसके लिए। डिस्कस अलबरूनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, ये इसके साथ ही होगी, अभी मैं बना के आपको डालूंगी इसकी। तो ये 6 क्वेश्चन आपने बनाने हैं, और एक्स्ट्रा मत क्वेश्चन बनाना, जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हो आप ऐसे मत बनाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना आपने। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू मोटिवेट मी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू।